नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद परिसर में अकेली महिला या महिलाओं के समूह के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से कहा गया कि जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं की पहुंच के लिए उनके साथ उनके परिवार के एक पुरुष सदस्य का होना अनिवार्य है। कुछ दिन पहले जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध की घोषणा का नोटिस लगाया गया था। इस फैसले पर बवाल मच गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर जामा मस्जिद प्रशासन को नोटिस जारी कर रही है और प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस बैन पर कड़ी आपत्ति भी जताई। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें क्या लगता है कि ये ईरान है कि वो महिलाओं के साथ खुलेआम भेदभाव करेंगे और कोई नहीं रोकेगा। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही एक महिला को भी। इसी बीच जामा मस्जिद के जनसंपर्क अधिकारी सबीउल्ला खान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिबंध सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करने वाली महिलाओं को रोकने के लिए है, क्योंकि नमाज अता करने की जगह है और लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि परिवारों या विवाहित जोड़ों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। देखिए, ऐसा है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब ने जो ये फैसला किया है कि मस्जिद में लड़कियां बगैर गार्जियन के या शोहर के नहीं आए तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नमाज के लिए आने पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि सैर सपाटे के लिए जो आती हैं और मस्जिद के का जो तकद्दस है उससे पामाल होता है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और इमाम साहब ने जब वजाहत कर दी खुद ही कि नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है आने के लिए, तो फिर इस मसले को इशू नहीं बनाना चाहिए। और ये बात के पर प्रतिबंध के बाद लगातार स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि हम इस पूरे मामले की, इस पूरे पहलू की कड़ी निंदा करते हैं और इस मुद्दे पर जामा मस्जिद प्रशासन को नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद, जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि उसमें जो नोटिस लगाया गया है साफ तौर पर लिखा गया है कि लड़की या लड़कियों का समूह अकेले मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि अगर महिलाओं को मस्जिद के अंदर आना है तो कोई पुरुष सदस्य साथ होना चाहिए। बिल्कुल काजोल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरीके की चीजें सामने आई हो। इससे पहले आपने काफी वक्त पहले सबरीमाला का मामला सुना था, जो एक मंदिर परिसर में महिलाओं को आने की पूरी तरीके से पाबंदी थी। यहाँ पर जिस तरीके से इस मुद्दे को तूल दिया गया वो बिना सोचे समझे मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। फिलहाल जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि अगर आप मस्जिद में आती हैं तो मस्जिद में आप मस्जिद के चाहे मंदिर में जा रही है चाहे मंदिर मस्जिद में जा रही है उसका एहतराम करते हुए उसके लिए आप उस तरीके से आए। पिछले दिनों ये जो मामला उठा सामने, जब ये नोटिस दिया गया, जब ये कदम उठाया गया, उसके पीछे की वजह यह थी कि पिछले दिनों कई सारी ऐसी जो लड़कियां थी जो वहां पर आई, जो टिकटॉक टाइप वीडियोस वहां पर शूट कर रही थी, और कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज के लिए भी अच्छा नहीं है कि इस प्रार्थना स्थल चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो वहां पर इस तरीके की हरकत की जाए, जिसको लेकर कमेटी ने एक बार मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो शाही इमाम हैं उन्होंने ये फैसला किया कि अगर अकेली कोई लड़की आती है तो उसकी एंट्री बंद है, कोई महिला आती है तो उसकी एंट्री बंद है। हाँ, आप अपने परिवार के साथ अगर आते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरीके की चीजें ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले आप देखेंगे रमजानों में चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग हों, सभी लोग वहां पर आते हैं। इफ्तार का बहुत बड़ा इंतजाम वहां पर होता है, उसके मस्जिद परिसर में उसके चारों तरफ बहुत बड़ा इंतजाम होता है। जुमे की नमाज में भी महिलाएं वहां पर होती हैं। तो नमाज और मस्जिद के अंदर पाबंदी को लेकर अगर बात की जाए तो वो सरासर बिल्कुल
सिरे से खारिज करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि हमने पाबंदी उन लोगों पर लगाई है जो अकेले आ रहे हैं या लड़कियों का एक ग्रुप आता है। बिल्कुल सही है। तो हमने देखा था कि कुछ समय पहले कुछ टिकटॉक वीडियोस, कुछ रील्स यहाँ पर जो लड़कियां बनाती हुई देखी गई थी, जिसके बाद भी आपत्ति जताई गई थी, और अब कहा जा रहा है कि अकेली लड़की या कोई भी महिला है या महिला का समूह है वो नहीं आएगा, अगर उनको प्रवेश करना है तो किसी पुरुष सदस्य के साथ करें। लेकिन यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि ये कोई ईरान नहीं है कि महिला का कहीं भी जाना उस पर प्रतिबंध लगाना सही हो, ये भारत है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि एक महिला को पुरुष की जरूरत क्यों पड़े कहीं भी जाने के लिए। देखिए काजोल, सबसे पहले एक इस बयान को थोड़ा सा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया गया है, जिसपे प्रतिक्रिया दी गई है महिला आयोग की तरफ से, बहुत थोड़ी सी जल्दबाजी में की गई है, बिना तथ्यों को और चीजों को समझे बिना ये एकदम से बयान जारी किया गया, नोटिस जारी किया। महिला आयोग को पहले चाहिए था उनसे तथ्यों से बात करते, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं मिलता तो आप उस पर नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आप महिला आयोग है, महिलाओं के अधिकार की आप बात करते हैं वो अच्छी चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बिना तथ्य जाने, बिना उसकी गहराई को समझे, वजह को जाने, अगर आप लगातार इस तरीके की चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश जरूर कही जा सकती है। एक कह सकते हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं, उस वजह से लेके लाइमलाइट की बात करें या चर्चा की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक मौका देने की बात है। तो महिला आयोग ने थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है, पूरे मामले को सोचे और समझने बगैर इस तरीके के नोटिस दिया है। दूसरी तरफ महिला आयोग ये भी कह रही कि आप ईरान नहीं है, भारत है, भारत में ही कई ऐसे मंदिर है, भारत में ही कई ऐसी मस्जिदें भी हैं जहां पर महिलाएं आज भी नहीं जाती हैं। और जुमे की नमाज की बात करें तो जुमे की नमाज में हवाला ये दिया जाता है कि चाहे वो सऊदी अरब है, वहां पर भी महिलाएं साथ में मस्जिद में नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने की पाबंदी कहीं पे किसी भी मस्जिद में नहीं है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो नमाज अता करने के लिए या फिर यहाँ मस्जिद में प्रवेश के लिए मनाही नहीं की गई है, बस यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी अगर गलत तरीके से चीजें सामने आती हैं या फोटो या वीडियो सामने आते हैं वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सैर सपाटे के लिए जो लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, ये कोशिश की जा रही है जामा मस्जिद के जो परिसर के लोग हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम, दूसरी तरफ चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, ये एक धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी होती है, जो हर शख्स के, हर धर्म के अपनी एक भावनाओं से जुड़ी होती है, वहां उसकी बेअदबी या उसका एहतराम करना हर शख्स के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहां बहुत तलीके और बहुत नियाज से वहां पर जाया जाता है। क्योंकि अब जब जिसके सामने आप जा रहे हैं, जिसके सामने आप मत्था टेकने जा रहे हैं, अगर वहां पर इस तरीके की असामाजिक बात करें या इस तरीके की हरकत करें तो आप इबादत कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं जिससे आप कनेक्ट होने जा रहे हैं उससे नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मंदिरों में भी बहुत जगह ऐसा है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं है, मस्जिदों में भी कई जगह ऐसा है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर नमाज की बात करें तो नमाज के लिए पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद के अंदर कोई बैन फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी का फैसला है जरूर महिला आयोग की तरफ से। चलिए ठीक है सैयद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जामा मस्जिद परिसर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा, लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं के अधिकारों के हनन का एक नज़रिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द जवाब होना चाहिए।